हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट क्वेश्चन वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। सो द फर्स्ट थिंग कम आवर माइंड, व्हाट इज़ क्वेश्चन वर्ड। पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है कि क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। वर्ड्स विच यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आस्क करने में, मतलब प्रश्न पूछने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स टाइप्स। तो इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उनका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। तो जो फर्स्ट इसका टाइप है, वो जो मोस्ट पॉपुलर टाइप है, वो होता है व्हाट। तो व्हाट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्या। तो जब भी हम ऐसी लाइंस, हिंदी की लाइंस जिनका जिसमें क्या आता है, तो हम व्हाट का यूज़ करेंगे उसको ट्रांसलेट जब इंग्लिश में करेंगे तो। ठीक है, तो व्हाट का हम पढ़ते हैं, व्हाट आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। जब भी किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, है ना, तो उसमें व्हाट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर नेम, है ना, तो इसमें हम सामने वाले का इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका नाम क्या है, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये आज मैं जितने भी आपको इसमें एग्जांपल्स बताने वाला हूँ, जितने भी यूजेस और टाइप्स बताने वाला हूँ, ये आपकी इंग्लिश की बुक में सर्च करिएगा, उसमें हर जगह आपको ये मिल जाएंगे। तो जितना आप सर्च करेंगे उतना आप सीखेंगे, और कोशिश कीजिए मोस्ट ऑफ की इंग्लिश वर्ड्स आप डेली लाइफ में यूज़ करें, घर पर, स्कूल में तो करना ही है, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि आप सीख जाएंगे इंग्लिश बोलना। इंग्लिश स्पोकन क्लासेस आपकी चलती हैं डेली, उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगी ये चीज़। ठीक है, तो वर्ड का मैंने आपको बता दिया, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और यूज़ वर्ड का कहाँ पे होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, आस्किंग फॉर रिपीटेशन और कन्फर्मेशन। जब भी किसी चीज़ की रिपीटेशन होती है, यानी कि बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति जब होती है, या फिर कन्फर्म करने के लिए कि वाकई ऐसा है क्या, तो उसमें हम वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए, व्हाट आई कांट हियर यू, जैसे कि कोई व्यक्ति बोल रहा है सामने से, हम सुन नहीं पा रहे थे, हम बोल रहे हैं ना, अरे क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कि व्हाट आई कांट हियर यू, क्या बोल रहे हो, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ तुम्हें, है ना। तो एक ऐसी जगह पे भी व्हाट का यूज़ करते हैं। तो दो यूज़ेस हमने आज व्हाट के पढ़ लिए है, कि एक तो इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए किसी भी चीज़ की, और दूसरा हम यूज़ करते हैं व्हाट का कन्फर्मेशन या रिपीटेशन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको व्हाट का समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट इज़ वेन। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्वेश्चन वर्ड, वो है वेन। वेन का हिंदी मीनिंग होता है कब, मतलब वेन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कब। तो इसका हम यूज़ पढ़ते हैं, आस्किंग अबाउट टाइम। वेन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब भी हम टाइम के बारे में पूछते हैं, तो वेन का यूज़ हम करते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है, वेन डिड ही लीव, यानी कि वह कब गया, टाइम के बारे में, है ना। वेन यू आर गोइंग टू रीड, आप कब पढ़ाई करने जा रहे हो, कब पढ़ने जा रहे हो तुम, तो जब भी टाइम से संबंधित सीधा सा एक, 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 एक आप वर्ड माइंड में रख लीजिए कि वेन का यूज़ टाइम के लिए, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है वेयर। वेयर का हिंदी मीनिंग होता है कहाँ, मतलब कोई, अब मैं इसका बताता हूँ, आस्किंग इन और एट व्हाट प्लेस और पोजीशन। जब भी किसी जगह या किसी स्थान के बारे में हम पूछते हैं, तो वेयर का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसे वेयर हम पूछते हैं ना कि तुम कहाँ रहते हो, तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, वेयर डू यू लिव, है ना। जैसे इसमें पूछा गया है कि वेयर डू दे लिव, यानी कि वे लोग कहाँ पर, वे सब कहाँ पर रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि तुम कहाँ पर रहते हो, तो उसका इंग्लिश में क्या बनेगा, वेयर डू यू लिव, है ना। तो इससे क्या सीखा हमने, वेयर का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, प्लेस और पोजीशन के।
इसके जितने ज़्यादा एग्जांपल्स हैं वो आपको बुक में मिलेंगे, और बुक में अगर आपने एग्जांपल ढूंढ लिए तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको स्टडी में भी और ऐसे नॉर्मल इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में भी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट विच। विच का हिंदी मीनिंग होता है कौन सा, और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आस्किंग अबाउट चॉइस। आपकी जब भी किसी चॉइस पूछने के लिए हम विच का यूज़ करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं उनमें से हम किसी एक को पिक करते हैं, चूज़ करते हैं, तो वहाँ पर विच का यूज़ किया जाता है। जैसे कि विच कलर डू यू वांट, है ना, तुम्हें कौन सा कलर चाहिए। तो कुछ भी चीज़ जैसे रखी हुई है तो उसमें से हम किसी को पिक करते हैं कि तुम्हें, जैसे इसमें कलर का पूछा है, जैसे खिलौना भी हम पूछते हैं तो उसका भी पूछते हैं, है ना। तो विच का हमें यूज़ आना चाहिए, और वो किसके लिए किया जाता है, चॉइस पूछने के लिए। खिलौना का बोलते हैं कि विच टॉय डू यू वांट, तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए, कौन सा पसंद आया, चॉइस पूछने के लिए विच का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हु। हु का हिंदी मीनिंग होता है कौन। सीधी सी बात है, इसमें बहुत ईजी वे ईजी है ये कि जब भी किसी आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपल, है ना, विच पर्सन और पीपल, यानी कि किसी भी एक इंसान या बहुत सारे लोगों के लिए, किसी व्यक्ति इंसान के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हु का। ठीक है ना, बस एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो होना चाहिए सब्जेक्ट, है ना, क्या होना चाहिए, वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। मैं आप अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में अभी इसमें समझा देता हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, उसमें आपको पहचानना आ जाएगा वैसे तो, जैसे कि राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें जो मेन काम करने वाला व्यक्ति रहता है, मेन वर्कर रहता है, जैसे कि इसमें कौन है, राम है, तो राम इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है ना, और वो जिस काम को करता है ना, या फिर जिसके लिए करता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें जो क्रिकेट है ना वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए और एक्सप्लेन वीडियो में बना दूंगा बाद में कभी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। तो हु का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, किसी भी आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपल, जो सब्जेक्ट में होना चाहिए उस व्यक्ति का नाम, यानी कि पहले नंबर पे सब्जेक्ट पे होना चाहिए, तो वो हु का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हु ओपन्ड द डोर, ये डोर किसने खोला था, है ना। हु आर यू, हम बोलते ना कि तुम कौन हो, तो हम किसी व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन है, तो हु आर यू, तो आप कौन हैं, है ना। अब नेक्स्ट है हुम। हुम का अर्थ होता है किसको। सो आस्किंग व्हाट और विच पर्सन, इसमें भी हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो किसकी जगह पर होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑब्जेक्ट के लिए, है ना, किसको। जैसे होम डिड यू सी, तुमने किसको देखा, है ना, आया समझ में। ठीक है, आपको इसके एग्जांपल्स बुक में भी सर्च करने हैं। नेक्स्ट है हुज। हुज का हिंदी मीनिंग होता है किसका। तो आस्किंग अबाउट ओनरशिप, तो हुज का यूज़ हम किस पे करते हैं, जिस पे हमारा हक होता है, या फिर किसी और का हक होता है, तो वो पूछने के लिए हम हुज का यूज़ करते हैं। जैसे कि हुज आर दीज कीज, हम जैसे अभी जैसे इसमें कीस के बारे में, चाबियों के बारे में, कि ये चाबियाँ किसकी हैं। जैसे कि पेन किसी का हमको मिलता है तो हम बोलते हैं ना क्लास में कि हुज पेन इज़ दिस, मतलब ये पेन किसका है, तो उसमें हुज का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये हुज टर्न इज इट, ये अब किसका टर्न है, हमसे कोई खेल खेलता है तो टर्न बाय टर्न आता है, तो टर्न किसका होता है, है ना। तो आई होप आपको हुज का भी मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज़ वाई। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाई। तो वाई का हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्यों, और इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, आस्किंग फॉर रीज़न, आस्किंग फॉर व्हाट, फॉर, है ना, रीज़न के लिए, या फिर कोई सा काम ऐसा क्यों हुआ है, उसके लिए हम वाई का यूज़ करते हैं। जैसे कि वाई डू यू से दैट, तुमने यह क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, रीज़न पूछने के लिए। हम जैसे कि कुछ भी आपसे बोलते हैं ना कि आपको आज खाना नहीं, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको डरा दिया कि आज आपको खाना नहीं मिलेगा, तो आप पूछते ना क्यों नहीं मिलेगा, तो जो क्यों है ना वो यही है, वो वाई। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का हिंदी मीनिंग होता है कैसे या कैसा।
तो इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, आस्किंग अबाउट मैनर, मैनर के बाद तरीके के बारे में, तरीका जब भी हम पूछते हैं किसी से तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए, हाउ डज दिस वर्क, यह काम कैसे करता है। जैसे हम कुछ भी लाए घर पे, तो कोई सब इलेक्ट्रॉनिक का सामान लाए या फिर कंप्यूटर वगैरह, आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, जो क्वेश्चन आता है कि ये कैसे काम करता है, तो हाउ डज दिस वर्क, तो वो कैसे जो होता है ना, वो यही है हाउ। आस्किंग अबाउट, एक और इस यूज़ इसका होता है, आस्किंग अबाउट कंडीशन और क्वालिटी। जब भी किसी चीज़ की हमें कंडीशन, स्थिति जानने के लिए, उसकी गुणवत्ता क्वालिटी जानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हाउ वाज योर एग्ज़ाम, आपकी एग्ज़ाम कैसी रही, है ना, कैसा रहा आपका पेपर आज का, हम बोलते हैं ना, तो हाउ वाज योर एग्ज़ाम, है ना। तो आज मैंने आपको इतने टाइप्स के बारे में पढ़ाए हैं, किसके, क्वेश्चन वर्ड्स के, है ना। और अगर इन क्वेश्चन वर्ड को आपको अच्छे से रिमाइंड करना है तो आपको आपकी बुक में भी इसको देखना पड़ेगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।